तरह से आज मुल्क की हालात है, देश की हालात है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे लोग मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, देश में तानाशाही ख़त्म करने के लिए, देश में को मजबूती की राह पर ले जाने के लिए, देश की एकता, अखंडता, भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता, देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मसले पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने इस देश में खड़े किए हुए हैं। आज नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं है, तो बहुत बड़ी देश बहुत ही मुश्किल से दौर में गुजर रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है, सवाल अनिल देसाई की उम्मीदवारी का नहीं है, सवाल उनके चुन के जाने का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का है। और अनुशक्ति नगर से आज हमने यही अपील की है कि इस देश को बचाने की लड़ाई में आप सब लोग साथ दें और 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनिल देसाई को भारी वोटों से चुनकर भेजें। सारे के सारे लोग सारे लोग इस देश की हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग इस देश के में जो माहौल है पैदा हुआ है उसको बदलना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो सरकार तामीर और तरक्की के नाम पर काम कर सके। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू और मुसलमान, शमशान और कब्रिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करे, लो जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, अब वोट जिहाद की बात करने लगे हैं। 10 साल में ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल रही है और आज जो देश जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, सारे लोग और भी अलग अलग रियासत की जो पार्टियां हैं, सारे लोग मिलजुल कर एक महाज बनाकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि इस देश को बचाया जा सके। क्या कहेंगे, पहली बार उद्धव साहब ठाकरे चिता के इलाके में जो है आके भाषण किए और अनिल देसाई सर को जो है जिताने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की है, सर क्या कहेंगे? काफ़ी मुसलमानों का समर्थन देखने को मिला यहाँ पे इस सभा में। सभी लोगों का समर्थन है, लेकिन खास करके चितागाम के जो हमारे लोग हैं उन्होंने प्यार से उनको यहाँ पे बुलाया था और उनकी गुजारिश थी कि उद्धव जी यहाँ पे आए, और जो उन्होंने कोरोना के दौरान महाराष्ट्र में जो काम किया है उसको देखते हुए लोग चाहते थे कि जिन्होंने हमको संभाला उनको हम सुने, उनको हम देखें, और इसलिए उद्धव जी ने हमारी सभी की रिक्वेस्ट मान ली और यहाँ पे आए। इलेक्शन एक बहाना था लेकिन लोगों से मिलना ज़रूरी था, इसलिए आज उद्धव जी आए और लोगों से उन्होंने बात की। सर उद्धव जी ने आके कहीं ना कहीं अनुशक्ति नगर के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है, नहीं इंडिया लाइन को काफ़ी फायदा होता है। उद्धव जी ने तो ऊर्जा पूरे देश में ही भर दी है, क्योंकि जो जो गलत हो रहा है देश में उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद से उठाने का काम उद्धव जी ने किया है, इसलिए उद्धव जी के जो फैन है वो महाराष्ट्र में नहीं है तो पूरे देश में बड़े हैं। क्या कहेंगे, आज उद्धव साहब जो है चिता के मिला के में आए थे, जाहिर सभा हुई थी, हज़ारों के इलाकों की तादाद में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, उद्धव साहब को अपना प्यार बताने के लिए जनता अपना घर छोड़कर रोड पर आई थी, क्या कहेंगे सर? इंडिया महाविकास आघाड़ी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार श्री अनिल देसाई साहब के इस प्रचार सभा में दरअसल देखने गया तो ये लोगों की मांग थी कि जिन्होंने 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पे रह के कोरोना काल में जिस हमको बचाया, हमारे पूरे महाराष्ट्र मुंबई को बचाया, ऐसे बाला साहब के लड़के हमारे मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब एक बार तो चिताग्राम में आने चाहिए, ये लोगों की मांग थी और वो लोगों की मांग उद्धव साहब ने पूरी की। अपने उम्मीदवार अनिल देसाई साहब के प्रचार में वो खुद आए और लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले 20 तारीख को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का मशाल, जो अनिल देसाई का चिन्ह है, मशाल चिन्ह, महाविकास आघाड़ी का चिन्ह है, मशाल चिन्ह, उसके सामने वाला ब्लू बटन दबा के उसे उन्होंने भारी वोटों से आप यहाँ से चुन के दीजिए। मतलब इस बार लोगों का कितना सपोर्ट मिलने वाला है महाविकास आघाड़ी? देखिए, ये अभी देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, ये जुमलेबाजी लोगों का जो दिल में जो क्या है ये लोगों तक अभी पहुंच चुका है और लोग उतर कर उसको दिखा गए। अभी पहले जैसा नहीं था कि ठीक है हम तुम आगे चलो हम देखते हैं, लोग अभी रास्ते पे उतर के अपना मत प्रदर्शन कर रहे, हम किसके तरफ से है, हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से है, हम इंडिया की तरफ से है। सर चिताग्राम की जनता को क्या कहेंगे?
नहीं, चिता गैम की जनता, मैं आज पहली बार इतनी तादाद में रास्ते पे उतर के जो उद्धव साहब के बारे में प्यार जताया लोगों ने, मैं कसम से सबको सलाम करता हूँ। चिता गैम के आवाम को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार जताया, जो महाविकास आघाड़ी उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे जी है और हमारे अनिल देसाई साहब है, उनको आप भर भर के प्यार दे रहे, मैं आप सभी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहिल्यांदाच आज चिता कॅम्प मध्ये उद्धव साहेब नी एवढी मोठी जी सभा घेतली, खरोखर त्याला इकडच्या चिता कॅम्पच्या लोकांनी, तसेच आपला ट्रॉम्बे असेल, सर्व इकडच्या आजूबाजूच्या लोकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला। मी आता इकडे होतो, मी मागच्या टोकाकडे होतो उभा, तेव्हा इकडचीच लोक, स्थानिक लोक चिता कॅम्पची आहेत, ती लोक बोलत होते की आत्तापर्यंत चिता कॅम्पच्या इतिहासामध्ये हा पहिला दिवस असेल की एवढा संख्येने चिता कॅम्पमध्ये कुठच्या सभेला लोक इथे उपस्थित असतील ते। ये अशी जनता को क्या कहेंगे, जनता को क्या कहेंगे इस बार जो है लोकसभा चुनाव कितना जरूरी है महाविकास आघाड़ी के लिए? ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो जो 400 पार का नारा जो अपने प्रधानमंत्री ने दिया है, वो किसके लिए दिया है, वो अपने को अभी उद्धव साहब ने उसकी सब बराबर जानकारी दी, क्योंकि जो संविधान है जो बाबा साहेब आम्बेडकर साहब ने जो बनाया, इनको ख़त्म करना है। इसके लिए आज की जो सभा थी वो चिता कॅम्प के लोगों के लिए बहुत कुछ उसमें मालूम पड़ गया कि 400 पार का नारा इन्होंने क्यों दिया है। जय महाराष्ट्र। एक तीन दिन पहले इधर आर्टिकल मेरे से पूछा गया था, आर्टिकल एक एनजीओ वाले लोग आए थे, तो मैं उसी टाइम में स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 12 तारीख को चिता कॅम्प में दिवाली और ईद की एक त्यौहार बनाई जाएगी, तो वो हिसाब से लोग बोलते कि मुसलमान के भाई लोग के ऊपर ध्यान नहीं है। आज खुद लोगों के मुँह से निकलेगा उद्धव साहब को खुद भाई लोग के ऊपर प्यार है, संविधान बचाने के लिए, अपने भाई लोग को बचाने के लिए साहब आए। और एकदम हम लोग को तो, मेरे को ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि यार कुर्सी ज़्यादा हो गया, इससे डबल कुर्सी मंगाना पड़ा, फिर से लोग गाली देने लगे भाई कुर्सी नहीं है, इतना भीड़ पॉलिटिशियन तक का पब्लिक के ऐसा नहीं कि नज़र जितना दूर जा रहा होता तो मैं तो गिन ही नहीं सकता, उतना पब्लिक थे। अच्छा, हमारे अपने चिता कॅम्प के लोग ने इतना सहयोग किया, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कि चिता कॅम्प में कितने शाखा प्रमुख आए और गए, मगर मैं एक भाग्यवान शाखा प्रमुख हूँ, मेरे पेड़ में उद्धव साहब इधर आके गए, इसके लिए मैं बहुत उनके लिए खुशी की बात है। बहुत क्या कहेंगे इधर पीछे से, चिता कॅम्प इलाके में पहली बार उद्धव साहब जो है वो आए और लोगों के सामने अपनी बात रखी, महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए लोगों से जो है एक मांग की है, क्या कहेंगे इस पर, आज का माहौल कैसा रहा? आज का माहौल तो काफ़ी बहुत अच्छा देखने को मिला है, और चिता कॅम्प में उद्धव साहब आए हैं ये बहुत बड़ी बात है चिता कॅम्प के लिए, उन्होंने खुद आकर जो आश्वासन दिया है वो ज़रूर पूरा करेंगे, और हमारे राहुल गांधी जी जो है आने वाले जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनेंगे, हमें इतना पूरा भरोसा है। तो उन्होंने भी हमें बहुत सी स्कीमें दिखाई है, उनका जो मैनिफेस्टो है उस पर भी जो है 100% काम होगा, और ये हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार जो इंडिया अलायंस जो है इस बार जो है जीतेंगे ज़रूर, मैं इतना कहना चाहता हूँ। क्या लगता है ये जो इलेक्शन है कितना महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए? जी बहुत ज़रूरी है, और इसका जो फैसला जो है मेरे हिसाब से जो है हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी वो करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से कैंडिडेट जो है नॉन मुस्लिम है, तो इसमें जो है हो चुका है जो भी है हेर फेर, तो इसलिए मुसलमान जिधर वोट डालेगा वो पार्टी ज़रूर जीतेंगे। चिता कॅम्प से कितना फ़ायदा होने वाला इंडिया अलायंस? चिता कॅम्प से तो बहुत फ़ायदा होगा, चिता कॅम्प को बहुत फ़ायदा होने वाला है, आगे चिता कॅम्प डेवलपमेंट होने वाला है, और हम लोग खुद देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस से मैं खुद जुड़ा हूँ, मैं पहले दूसरी पार्टी में था, अभी मैं कांग्रेस में हूँ, ये देख के कि कांग्रेस जो है डेवलपमेंट पे काम की है हमेशा, इसलिए मैं खुद कांग्रेस ज्वाइन किया एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट। महाविकास आघाड़ी को आज जाहिर हुआ है कि लोकसभा का मतदान लोगों ने अपने हाथ में लिया है, और ये जनता आने वाले दिनों में मुझे को दिखाएगी कि जनता का आवाज़ क्या है, जनता का मत क्या है, जनता का अनुमोदन क्या है, और जनता ये दिखलाएगी कि आने वाली पीढ़ी में जो संदेश भेजा है कि हर आदमी अपने घर से अपने मन से, कोई खरीदा हुआ नहीं, कोई अपने लालच से नहीं, अपने दिल से
और अपना मस्जिद अपना गवाही देने के लिए आए हैं कि हम उद्धव जी आपके साथ में है और ये मोदी जी को हम ये देश से तेरे पार करने के लिए हम सब तैयार है, ये वादा करने के लिए आज उद्धव साहब के साथ में सब जनता इकट्ठा हुई थी। जैसे कि चीता गेम में काफ़ी मुस्लिम आबादी है, इस बार मुसलमानों को भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? समर्थन इसलिए मिल रहा है कि जो कोरोना काल में उद्धव साहब ने जो जात पात न मानते हुए हर जाति समाज के लिए जो कार्य किया वो उल्लेखनीय है। झोपड़े में रहने वालों को भी सहयोग दिया और बंगलों में रहने वालों को भी सहयोग दिया और ये सब सहयोग की वजह से हर इंसान चाहता है कि ऐसा आदमी जो भरी कुर्सी में उनको उतर पाए किया वो वापस वही कुर्सी में बैठा जाए, ऐसा हर एक इंसान का दिल बलता है। आप लोग ने खुद देखा होगा क्या माहौल था, पूरा चीता गेम पूरा एक हो गया था, पूरा रोड ब्लॉक था, आप लोग ने खुद देखा होगा। माहौल तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, सिंपल सी बात है, अनिल देसाई वन साइड है, लाख डेढ़ लाख के मार्जिन से जीतने वाले हो, कंफर्म 101%। युवाओं का कितना सपोर्ट मिलने वाला है? युवाओं का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आपने देखा है क्या हो रहा है, अभी कल तक का यहाँ पे गटर का पानी बह रहा था पूरा बाहर तक का, ये हाल है चीता गेम का, तो ये कब तक चलेगा, बदलाव जरूरी है। क्या मशाल मशाल जैसा अलग अलग चरण जो चला है, अलग अलग जो चरण चला है, अभी आज चौथा चरण हुआ है, होने वाला है, हर चरण के बाद में मोदी सरकार के पास अपने अचीवमेंट अपने उपलब्धियाँ बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मुसलमानों के ऊपर बच्चे पैदा पर करने वालों के ऊपर ये सब बातें किए जा रहा है। और मोजीदी जो यूएस में यूके में जाकर के कहा है कि जब वहाँ के पत्रकार ने सवाल किया उनसे ये सेकुलरिज्म के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारे रग रग में जो है सेकुलरिज्म भरा हुआ है, लेकिन जैसा ही इलेक्शन यहाँ पर शुरू हुआ, हर बार जो है मोदी जी हर एक एक इलेक्शन के चरण के बाद में जो है मोदी जी का बौखलावट जो है बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से बीजेपी का जो पारंपरिक जो वोटर्स है वो लोग भी जो है बीजेपी के लिए वोट करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है, हर जगहों से जो न्यूज़ आ रहा है उस पर ये पता चलता है कि मोदी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और लोग इवन बीजेपी के लोग खुद परेशान है क्योंकि बेरोजगारी 40 साल के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ में महंगा है, ये बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए तबाही मचा हुआ 10 साल को उन्होंने कम से कम 20 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान को पीछे लेके गया है। और इस बार जो है हर कम्युनिटी के लोग हर तबका जो है महाविकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा हुआ, आप ये मंजर यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग मानते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे जी ने अभी के पहला हम अलग अलग थे लेकिन अब एक हो गया, मोदी जी के इस तरीके से बर्ताव इस तरीके से जो है बौखलाहट जो है हर कम्युनिटी को हर तबके को जो है एक साथ मिला लिया है। अब जो है मोदी जी का सियासी तौर पर बचना नामुमकिन है, मोदी जी इनका जो नारा है मोदी जी तड़ी पार बीजेपी तड़ी पार ये पक्का है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी के साथ में जो है इंडिया अलायंस हुकूमत में बैठेगी। सर लोग जो है बीजेपी के लोग अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे, क्या कहेंगे उस पे, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा यह है कि 200 समथिंग के साथ में जो है ये बन सकता है, हुकूमत बन सकता है। 400 पार क्यों कह रहे हैं, इनके आपस में जो हिडन एजेंडा जो है इनके कहीं कहीं लीडर्स और सीएम्स जो है बाहर ला रहे हैं कि 400 एक लेटेस्ट ये कहानी है, इन्होंने कहा कि अब जो है पहला जो है राहुल गांधी और दूसरे जो नेता लोग जो है जाली टोपी पहन करके वोट मांगते थे, अब जो है टीके लगाकर वोट मांग रहा है, जून 4 के बाद में जो है ये जय श्री राम कहने वाले हैं, तो इनका टोटली जो है इनका मनगलत कहानियां हैं, इनका इरादा बिल्कुल गलत है। और इस बार अगर वो लोगों ने दो बार जो गलतियां की इस तीसरे बार अगर ये गलती दोहराएंगे तो विधान ये संविधान भी बदल जाएगा, हमारी जो आज़ादी हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने कंधे से कंधा मिला कर लड़ करके जो आज़ादी दिलाया है जो रिपब्लिक बनाया हिंदुस्तान को वो तानाशाही में बदल जाएगा। जय भीम जय महाराष्ट्र। मैं पहला अपना परिचय दिखा दूँ, मैं 40 साल से आरपीए का बम्बई उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, आरपीए के आठवें घाट सबके, तो इसलिए आपको इस बार इंडिया सरकार को सपोर्ट करना जरूरी है। महंगाई के हिसाब में जो जनता परेशान है, जो संविधान बचाने के लिए हम लोग ने ये किए, और सबसे बड़ा ये है कि जो मोटा सभा होता है वो विजय का सभा होता है। मुझे तो लगता है कि अभी जो उदय साहब आके गए ये मुझे लगता है अनिल देवी साहब का विजय का सभा है। चिता के में उदय साहब ने फर्स्ट टाइम आए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उनका सम्मान करी, इज्जत करी, बेशक उनके बात के ऊपर कायम रहकर आने वाले 20 तारीख को
एक नंबर वोट पर वोट देकर अनिल देशमुख को विजय बनाएंगे।